नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। जिलाधिकारी कुमार रवि समेत आईपीएस सयाली होंगे सम्मानित। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि को और साथ ही लोकसभा चुनाव में बेहतर कार्य के लिए अररिया एसपी धूरत सयाली को जल्दी बिहार सरकार सम्मानित करने जा रही है, जिसके तहत रामनाथ कोविंद जल्द ही इन सभी अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। आपको बता दें, उक्त जानकारी बिहार के सीओ एचआर श्रीनिवासन की ओर से मिली है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन इन सभी अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी बाढ़ राहत कार्यों से जुटे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जहां पर उन्होंने बैठक में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द कृषि इनपुट सब्सिडी बांटने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्पर रहने की नसीहत भी दी है। इसके साथ ही प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बैठक के पश्चात केंद्र सरकार की तरफ से मिली सहायता राशि का ब्यौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पेश भी किया है। सीके नायडू टूर्नामेंट में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को दी मात। सीके नायडू टूर्नामेंट में बिहार ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से अरुणाचल प्रदेश की टीम से 295 रनों की शानदार जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, इस मैच में जीत के बिहार को 6 अंक प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें, कर्नल सीके नायडू अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 में से उसे हार मिली है। वहीं बिहार ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय और मिजोरम को इस टूर्नामेंट में मात दी है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे भिखारी ठाकुर की। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी दुनिया का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर नाम से प्रसिद्ध भिखारी ठाकुर का जन्म बिहार के सारण जिले में 18 दिसंबर 1987 में हुआ था। भिखारी ठाकुर पेशे से नाटककार, गीतकार, अभिनेता, लोक नर्तक, लोक गायक, सामाजिक कार्यकर्ता थे। इतना ही नहीं, भिखारी ठाकुर ने अपने पूरे जीवन में कई सारी किताबें भी लिखी हैं, जिसमें विदेशिया, भाई विरोर, राधे श्याम बिहार, गंगा स्नान, पुटराबाद समेत अन्य किताबों के नाम शामिल है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर राजनेताओं ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। अति पिछड़े वर्ग को समाज में सम्मान और जगह दिलवाने वाले कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर बिहार में राजनीतिक माहौल कुछ और ही दिखा। अति पिछड़ा वर्ग के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर की जयंती को अति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर बिहार के सभी प्रमुख नेताओं ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के एसके मेमोरियल हॉल में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। HDFC बैंक अब बिहार के सरकारी स्कूलों का करेगा डिजिटलीकरण। HDFC बैंक जल्द ही अपने कार्यक्रम में किए गए बदलावों के तहत बिहार में लगभग 100 सरकारी स्कूलों का डिजिटलीकरण करेगा, जिसकी जानकारी HDFC बैंक के ब्रांच बैंकिंग हेड संदीप कुमार के साथ पत्रकारों को दिए अपने साक्षात्कार में HDFC बैंक समूह की प्रमुख आशिमा भट्ट ने बताया कि शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत HDFC बैंक की परिवर्तन ने बिहार में लगभग 100 सरकारी स्कूलों को डिजिटली जोड़ने का फैसला लिया है। बिहार में अब हर साल लगभग 10,000 सिपाहियों की होगी बहाली। पुलिस विभाग का हिस्सा बनकर देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। हाल ही में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह साफ कहा है कि अब हर साल बिहार में लगभग 10,000 सिपाहियों की नियुक्ति की जाएगी। इतना ही नहीं, BSSC को आदेश जारी करते हुए यह निर्देश भी जारी किया गया है कि चाहे जैसे भी हो, मगर BSSC की सभी लंबित परीक्षाओं को हर हाल में 6 महीने के अंदर सम्पन्न करवाना होगा। पटना के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अगर आप भी कभी पटना भ्रमण करने आए हैं, तो पटना के गांधी मैदान स्थित विस्कोमान भवन के ऊपर बने रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में घूमने जरूर जाएं। इस रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें, तो इसे देश का सबसे बड़ा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट माना जाता है। इतना ही नहीं, यह रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पटना के सबसे ऊंचे टावर पर स्थित है। आपको बता दें, सबसे ऊंचे टावर पर बना यह रेस्टोरेंट हर 45 से 60 मिनट के बाद जर्मन तकनीक की मदद से रिवॉल्व करता है। वुमेन्स लीग के लिए नरकटियागंज की आशु और नीतू का हुआ चयन। देश में महिलाओं को फुटबॉल से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अब इंडियन वुमेन लीग बनाने पर खास ध्यान दे रहा है, जिसके तहत इंडियन वुमेन लीग का साल 2019-20 का आयोजन इस साल बेंगलुरु में किया जाएगा, जिसके लिए टीम चयन की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां पर बिहार के नरकटियागंज की 2 महिला फुटबॉलर आशु और नीतू का चयन किया गया है। आपको बता दें, चयनित दोनों छात्राएं टीपी वर्मा महाविद्यालय के स्नातक सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही हैं। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में होगी 549 पदों पर भर्तियां। बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में अधिकारी और कर्मचारी पद के लिए 549 पदों पर बहाली करने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मुंबई ने संयुक्त रूप से ग्रामीण बैंक नियुक्ति प्रतियोगिता में सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। सूची के अनुसार साल 2018-19 की दूसरी प्रतीक्षा सूची वाले 111 पीओ और क्लर्क पदों पर बहाली होगी। मार्च तक सभी 50 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड देने की हो रही है तैयारी। बिहार सरकार समूचे बिहार में जल्द ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मार्च 2020 तक बिहार के 50 लाख परिवार को कम से कम एक सदस्य को गोल्डन कार्ड देने का मन बना रही है।
जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार का आयुष्मान योजना के लाभुकों का व्यक्तिगत स्तर पर भी गोल्डन कार्ड जारी करने का लक्ष्य 60 लाख तक रखा गया है, जिसके तहत जल्द ही मेडिकल कॉलेज से लेकर प्रखंड स्तर पर गोल्डन कार्ड बनवाने की कवायद तेज हो जाएगी। समस्तीपुर के 122 स्कूलों में लगेगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जल संरक्षण की पहल में समस्तीपुर के 122 स्कूल ने एक अहम कदम उठाया है, जिसके तहत इन सभी स्कूलों ने अपने परिसर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाने का ऐलान किया है, जहां पर अब इन सभी सरकारी विद्यालयों में बारिश की बूंदों को सहेज कर रखा जाएगा। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर में छात्रों को जल संरक्षण के बारे में भी समझाया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण ने तो इस बाबत अधिसूचना जारी कर दिया है। आपको बता दें, इन स्कूलों में कभी पानी की कमी ना हो, इसीलिए इन सभी स्कूलों ने यह फैसला लिया है। 29 जनवरी से शुरू होने वाले बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश। बोधगया में 29 जनवरी से शुरू होने वाले बौद्ध महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे, जिसकी औपचारिक रूप से घोषणा की जा चुकी है। आपको याद दिला दें, 29 जनवरी से शुरू होने वाले इस महोत्सव के शुरुआती दिन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अपने नृत्य से करेंगी, जिसके पश्चात 3 दिनों तक विभिन्न कलाकारों का आना जाना लगा रहेगा। कटरीना के आप संग नाचते नजर आए अमिताभ और जया बच्चन। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो जया बच्चन और कटरीना कैफ के साथ झूमते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों में कटरीना कैफ दुल्हन के किरदार में नजर आ रही हैं, जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये किसी ज्वेलरी के विज्ञापन का है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह तस्वीर कहां से ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश ने प्रीपेड बिजली मीटर लगवाने पर दिया जोर। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में कई अहम बातों पर सोच विचार कर मुहर लगाई गई, जिसके तहत राज्य में प्रीपेड मीटर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर में प्रीपेड मीटर लगवाने की पहल पर काम करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मौसम के अनुकूल किसानों को खेती के लिए प्रेरित करने, साथ ही साथ पॉपुलर पेड़ों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने का आदेश भी जारी किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत तय किए गए लक्ष्यों को भी पूरा करने का आदेश जारी किया है। अगर रिटायरमेंट की उम्र सीमा नहीं बढ़ी तो पटना विश्वविद्यालय में घट जाएंगी शिक्षकों की गिनती। पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के लिए उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कई दिनों से की जा रही है। खबरों की माने तो शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में अगर कोई वृद्धि नहीं की गई तो आने वाले एक साल में पटना विश्वविद्यालय में सिर्फ 30% शिक्षक ही रह जाएंगे। वहीं राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों की बात करें तो वहां की स्थिति और भी खराब है। ज्ञात हो, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में उम्र सीमा बढ़ाने के लिए शिक्षा संघ ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति वर्ष को 67 वर्ष करने की मांग की थी। हालांकि अभी इस मांग पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। चुनावी साल में नियोजित शिक्षकों के सवाल के घेरे में है मुख्यमंत्री। इस चुनावी साल में सरकार का एक एक कदम और फैसला आने वाले चुनाव के परिणाम पर गहरा असर डालने वाला है। इसी क्रम में बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों ने चुनाव के बहाने ही सरकार पर दबाव बनाने का फिर से ऐलान कर दिया है, जिसके तहत समान काम समान वेतन को लेकर राज्य सरकार को एक बार फिर से घेरने का फैसला लिया है। इसी के तहत 19 जनवरी को श्रृंखला में सम्मिलित नहीं होने वाले सभी शिक्षक अब 1 फरवरी को बंद का आह्वान करने वाले हैं। रामविलास पासवान से मिले ब्राजील की मंत्री टेरेजा क्रिस्टीना। भारत दौरे पर आई ब्राजील की कृषि पशुधन और आपूर्ति मंत्री टेरेजा क्रिस्टीना कोरिया द कोस्टा के नेतृत्व में भारत के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान से मुलाकात की, जहां पर बातचीत के पश्चात सचिव खाद्य और सार्वजनिक संबंध में और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत बनाने के लिए वाद विवाद हुआ। इतना ही नहीं, रामविलास पासवान ने ब्राजील की मंत्री टेरेजा क्रिस्टीना को केंद्र सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड के फायदों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पवन वर्मा पर कसा तंज। बीते कुछ दिनों से पार्टी के महासचिव पवन वर्मा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है, जहां एक ओर पवन वर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की थी, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पवन वर्मा को एक बार और आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पवन वर्मा जैसे लोगों के पत्र को हमारी पार्टी कोई तवज्जो नहीं देती है। पटना में जल्द बनेगा 3 5-स्टार होटल। पटना वासियों के लिए अहम सूचना। घूमने फिरने और अच्छे होटल जाने का शौक रखने वालों के लिए जल्द ही पटना में 3 3 नया 5-स्टार होटल खुलने जा रहा है। अब बिहार वासियों और साथ ही साथ पटना आए पर्यटकों को रुकने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, इन सभी 5-स्टार होटल के निर्माण के लिए जगह का चुनाव भी कर लिया गया, जिसके तहत पहला होटल इनकम टैक्स गोलंबर के पास बनेगा, दूसरे होटल के लिए परिवहन भवन का जमीन दिया जाएगा, वहीं तीसरा होटल के लिए पाटलिपुत्रा इलाके को चयनित किया गया है। रालोसपा के कतार को मिला वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का साथ। शिक्षा सुधार और बेरोजगारी को लेकर रालोसपा ने राज्य सरकार के खिलाफ कतार का आयोजन किया था, जहां पर रालोसपा का समर्थन करने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी सामने आए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रालोसपा प्रमुख कुशवाहा ने अपनी कतार का आयोजन पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड से किया था, जहां पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले कुशवाहा ने यह साफ कर दिया था कि हमारी पार्टी द्वारा आयोजित होने वाले कतार का आयोजन आधे घंटे के लिए किया जाएगा।
अब आइए जानते हैं घरेलू नुस्खों के बारे में। आज हम बात करेंगे रिंकल्स यानी कि झुर्रियां हटाने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो कम उम्र में ही झुर्रियों का सामना करते हैं। ऐसे कम उम्र में झुर्रियों के आने का कारण व्यस्त जीवन शैली, नींद की कमी और आहार का सही ढंग से सेवन नहीं करना है, जिसको ठीक करने के घरेलू उपाय के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहले नारियल तेल का सेवन। नारियल तेल सही इस्तेमाल से आप अपनी झुर्रियों से निजात पा सकती हैं। नारियल तेल की नियमित तौर पर चेहरे पर लगाकर रात में सोने से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। नींबू का इस्तेमाल भी झुर्रियों को हटाने में बेहद ही कारगर साबित होता है। दही और उड़द दाल का पेस्ट भी झुर्रियों को हटाने में काफी कारगर साबित होता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुए पहले टी20 मैच में भारत को मिली शानदार जीत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए पहले टी20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड द्वारा बनाए गए 204 रनों का पीछा करके शानदार जीत दर्ज की है, जहां पर विराट कोहली ने 45 रन बनाए हैं, वहीं केएल राहुल ने 56 रन बनाए हैं। वहीं अंत में आकर श्रेयस अय्यर ने 29 गेंदों में 58 रन बनाकर जीत दर्ज की है, जिसके पश्चात श्रेयस अय्यर को मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। गणतंत्र दिवस परेड के लिए गांधी मैदान हो गया सजकर तैयार। 26 जनवरी को समूचे देश में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग जगह पर तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं बिहार के गणतंत्र दिवस की बात करें तो राजधानी पटना के गांधी मैदान में इस दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। खबरों की माने तो 26 जनवरी को गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान के हाथों झंडोत्तोलन करवाया जाएगा, जिसके पश्चात 19 टुकड़ियां परेड का हिस्सा बनेंगी और साथ ही 17 विभिन्न झांकियों से बिहार सरकार की योजनाओं को दर्शाया जाएगा। कोहली ने लगातार बिजी स्केड्यूल होने पर बीसीसीआई की लगाई क्लास। बीसीसीआई ने भी दी प्रतिक्रिया। पहले वेस्टइंडीज, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड लगातार मैच खेल रही भारतीय टीम को अब देश के लिए खेलने से ज्यादा आराम की जरूरत है। भारतीय टीम के कप्तान कोहली का मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरह से स्केड्यूल बना रही है, ऐसा लगता है कि क्रिकेटर अब उस स्थिति के करीब पहुंच गए हैं जब स्टेडियम पर ही सीधे उतरकर खेलना शुरू कर देंगे। उन्होंने आगे कहा है कि मुझे यकीन है कि भविष्य में इन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। कोहली के इस बयान के बाद बीसीसीआई ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई। बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि अगर कप्तान को किसी बात की परेशानी थी तो पहले उन्हें हमसे बात करनी चाहिए थी, हम इसका हल ढूंढने का प्रयास करते। खिलाड़ी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन मीडिया से बात रखने से पहले बोर्ड से बात करना भी उतना ही जरूरी है। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार किसानों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।